पश्चिम बंगाल में देर रात जलपाईगुड़ी के धूपगुड़ी में एक भीषण सड़क हादसा हो गया है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल भी हो गए हैं। अभी यह भी अंदेशा जताया जा रहा है कि इस घटना में मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है। हादसे के बाद वहां पर चीख पुकार मच गई। हादसे के कारण काफी देर तक जाम भी लगा रहा। आपको बता दें कि हादसे का कारण कोहरा बताया जा रहा है। बता दें कि लो दृश्यता के चलते डंपर ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद डंपर पलट गया और इसकी चपेट में आने से 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 से अधिक लोग घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना की सूचना के बाद तत्काल पुलिस और राहत टीमों को मौके पर भेजा गया। बताया जा रहा है कि जलपाईगुड़ी के धूपगुड़ी में देर रात एक डंपर यहाँ के मैनातली के रास्ते कहीं जा रहा था। वही हादसे का शिकार हुए लोग किसी विवाह समारोह में शामिल होने के बाद अपने घर लौट रहे थे। पुलिस ने हादसे में घायल तमाम लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया है। शुरुआती तौर पर यह आशंका जताई जा रही है कि हादसा कोहरे के कारण हुआ है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच में जुटी हुई है। वही अगर प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो बोल्डर से लदा ट्रक एक दूसरे ट्रक को ओवरटेक कर रहा था। इसी दौरान गलत दिशा से आ रही टाटा मैजिक मारुति वैन से उसकी टक्कर हो गई। टक्कर के बाद ट्रक के कई बोल्डर दूसरी गाड़ियों पर गिर गए। इस मामले में ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लिया गया। बता दें कि हादसे का शिकार हुए लोग किसी विवाह समारोह में शामिल होने के बाद वापस अपने घर लौट रहे थे। हादसे के तत्काल बाद पुलिस और राहत टीमों को मौके पर भेजा गया। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने कहा कि हादसे का शिकार हुए वाहनों में कितने लोग हताहत हुए हैं अभी इसकी पूरी जानकारी नहीं मिल सकी है। इस घटना में मृतकों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। इधर पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। शुरुआती तौर पर यह आशंका जताई जा रही है कि हादसा भीषण कोहरे के कारण हुआ है। पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच करने में जुटी है। वहीं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में मंगलवार देर रात हुई भीषण सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। पीएम मोदी ने कहा कि जलपाईगुड़ी में धूपगुड़ी में सड़क दुर्घटना बेहद भयानक है। दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। पीएम मोदी ने घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने का भी ऐलान किया है। वही घटना में जख्मी होने वाले लोगों को भी 50,000 रुपए की राहत राशि प्रदान की जाएगी। बताते चले कि पश्चिम बंगाल में देर रात जलपाईगुड़ी के धूपगुड़ी में एक भीषण सड़क हादसा हो गया है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल भी हो गए हैं। अभी यह भी अंदेशा जताया जा रहा है कि इस घटना में मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.